Hello and namaste everyone, this is Sneha and welcome back to my channel and welcome to another new vlog. I hope you all are keeping really well. So देखिए जैसे ही मैं आपको रोज़ सुबह सुबह व्लॉग में अपना विंडो से नज़ारा दिखाती हूँ, सो हमारी सुबह हो गई है चाय नाश्ते के साथ. और आज ना वीकेंड था सो मैंने दो दिन का व्लॉग कंबाइन किया है. सो देखिए अब कुछ सिंपल सा खाने का मन था, मतलब मुझे ना ऐसे दाल चावल रोटी सब्जी खाने का मन था, एकदम सिंपल सा घर का बना हुआ. तो मैं ऑब्वियसली वीकेंड में थोड़ा बाहर का कुछ कुछ होता है, बट मैंने सोचा नहीं आज घर का ही बनाते, तो मैंने नॉर्मल वाली दाल बनाई थी, येलो वाली जो मूंग की दाल होती है. और यहाँ पे मैं आलू बॉईल कर ली थी और इन्हें अब मैं अच्छे से पिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे जीरा आलू बनाना है. तो जब तक मैं ये पिल कर लूँ आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ऊपर मैंशनड है ID एंड प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा. सो देखिए यहाँ पे मैं आलू पिल की और उसके बाद फिर मैंने ना ये देखिए ये आलू मैंने ऐसे जीरा आलू टाइप का बना दिया. मैंने थोड़ी सी राई भी डाल दी थी जीरा आलू के नाम का था, बट मैंने और कुछ नहीं डाला था. एंड बहुत टेस्टी लगती है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप कभी ट्राई करना, बस बहुत मस्त लगता है. सो यहाँ पे मैंने आलू बना लिए, दाल भी मेरी बन गई थी और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ पराठे. सो बीच में ना मतलब मैंने जब मैं ऑफिस जा रही थी कंटिन्यू, अभी तो मैं कभी कभी जाती हूँ, मतलब अभी वर्क फ्रॉम होम भी मैं कर लेती हूँ और कभी मन होता है तो चले भी जाती हूँ. सो जब मैं ऑफिस जा रही थी ना बीच में कंटिन्यूएशन आई रिमेंबर, उसमें मुझे कितना काम होता था. मैं अपना लंच वगैरह भी बना लेती थी, ऑफिस भी जाती थी, दिन भर का व्लॉग भी शूट करती थी और उसके बाद मैं डेली एडिट करके नेक्स्ट डे अपलोडिंग के लिए भी शेड्यूल कर देती थी. सो ये सब मैं कर लेती थी टिल मैं ऑफिस जा रही थी. बट सडनली जब मैं अभी घर से काम कर रही हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मतलब आई रियलाइज़ कि उस टाइम भले काम ज़्यादा था फिर भी मैं डेली व्लॉग्स डाल पा रही थी. एंड अभी तो यार ना शूट हो रहे हैं ना व्लॉग्स ज़्यादा मैं डाल पा रही हूँ, मतलब मैं शूट भी करके रख लेती हूँ तो डाल नहीं पाती. यहाँ पे देखो मैंने खाना वाना बना के नहा धो के हेयर वॉश किया था, आज वीकेंड है तो. सो यहाँ पे मैं कुछ ट्राई कर रही थी, बोलने का रिकॉर्ड नहीं किया. और देखिए एज मैंडेट वीकेंड है भाई, कहीं जाने का प्लान तो बना ही होगा, तो बारिश आना तो कंपल्सरी है ना. सो देखिए यहाँ पे बारिश अगेन इतनी भयंकर वाली चालू हो गई है ना, मौसम देख के ही बाहर क्लाउड्स देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बारिश कैसी होगी. और ना अब एक्चुअली क्या हम ना यूज्ड टू हो गए, अब हमारी आदत हो गई, अब हमें पता है कि जब भी हमारा वीकेंड आएगा वीक ऑफ्स आएंगे तो बारिश होगी, तो हम प्रिपेयर होते हैं. तो देखो यहाँ पे ना कैसे पानी, इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश मतलब होती है अहमदाबाद का, तो आजकल बारिश बारिश ही है, तो फिर बारिश पूरी अंदर तक पानी आ गया था. विंडो इस साइड का हम क्लोज़ करना भूल गए थे और ये बारिश के चक्कर में मेरे सारे पेड़ ख़राब हो रहे हैं, बिकॉज़ अच्छा जितना रिक्वायर है उससे ज़्यादा ही पानी स्टोर हो रहा है उनमें. सो देखिए बारिश बारिश का सीन हो गया है. रात को ना मैंने सिर्फ सिंपल सा खिचड़ी बनाया था, बिकॉज सुबह दाल चावल रोटी सब्जी सब बनी थी, तो अभी बस ऐसे सिंपल सी खिचड़ी बनी थी और साथ में ना मैंने ऐसे फ्राइम्स बना लिए थे और थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए थे. सो बस ये था सिंपल सा खाना आज रात का. ये है नेक्स्ट डे का सीन, नेक्स्ट डे यानी संडे का सीन. सो देखिए यहाँ पे मैंने ना रात में ही दाल भिगो के रख दिया था और ना क्योंकि मुझे मतलब मैंने सोच लिया था दही बड़े बनाना है, दही बड़े आशिक के सबसे फेवरेट है, सो हमने सोचा दही बड़े बनाते हैं. तो इसको फिर सुबह उठ के मैंने ग्राइंड कर लिया, ये सब काम चाय वाय पी के किया था और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं अभी दही बड़े बना रही हूँ. तो ऐसे छोटे छोटे बॉल्स, सबके अपने अपना स्टाइल होता है, आई चूज़ द इजीएस्ट वन फॉर मी. तो यहाँ पे ऐसे मैं बॉल्स बना रही हूँ और ऑयल में डीप कर दे रही हूँ. सो बस अभी ये दही बड़े फ्राई होंगे और उसके बाद जाएंगे हमारे पेट के अंदर. सो हम थोड़ा ट्राई करते हैं अवॉइड करने का, पर हम कर नहीं पाते हैं ज़्यादा ऑयली, बिकॉज हम दोनों ही खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं. मुझे तो एक बार तो आशीष को चल जाएगा, बट मुझे ना एकदम ऐसा चटपटा खाना खा चाहिए होता है. तो देखिए मेरे मस्त से दही भल्ले बन के तैयार हो गए खा पी के ना. फिर फाइनली आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ था सो हम निकल गए. हाँ मतलब आशीष को कुछ काम था बाहर, उसे थोड़ा दूर जाना था, मतलब
आई वुड से थोड़ा सा गांधीनगर ही टच होके आ गए थे। तो मैंने वो मुझे बोले कि तुम मत आओ, मैं चले जाता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं घर पे बैठ के क्या करूँगी, बोर हो जाऊँगी, तो मैं भी चलती हूँ। सो फिर मैं चली गई कि इसी बहाने बाहर निकलना हो जाएगा, घूमना हो जाएगा मेरा, एटलीस्ट मौसम है तो मैं इंजॉय ही कर लूँगी। सो फिर मैं भी साथ में चली गई और मस्त, तो मज़ा आया। मतलब आज लॉन्ग ड्राइव हो गई थी, मौसम भी सही था, धूप भी नहीं थी, तो अच्छा लगा आज घूम के, बहुत मज़ा आया। और सब जगह ना ऐसे रेनी सीजन के कारण ग्रीनरी हुई रखी थी। सो आते आते ना देखिए, हम यहाँ पे अब स्टेडियम, मतलब रास्ते में ही बढ़ रहा था, हम आ रहे थे जहाँ से, तो हम 2 मिनट के लिए वहाँ रुक गए थे। तो स्टेडियम हम देखने के लिए गए थे, बट अंदर जो जाना है अलाउ नहीं है। फिर हम आ गए, बीच में हमने नाश्ता वगैरह किया, चाय वाय पी, बिकॉज शाम हो गई थी, हम दोपहर में निकले थे, तो आते आते शाम हो गई थी। फिर ना मुझे याद आया कि मुझे ना संडे मार्केट जाना था। तो मैं अहमदाबाद में काफ़ी टाइम से हूँ, बट मैं जब से यहाँ सोसाइटी में रहने आई हूँ ना, सो आई हैव हर्ड मैनी टाइम्स कि संडे मार्केट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो मेरी ना बहुत अंदर से इच्छा थी वहाँ जाने की, सो मैं ऐसे गई थी। मैंने एक आध रील्स में भी आई गेस मैंने देखा था, तो भाई मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स करके वहाँ लेके तो चले गई। बट ये मार्केट ना एकदम लोकल मार्केट था, नो डाउट यहाँ पे हर छोटी से बड़ी चीज़ थी एंड काफ़ी बड़ा था। मतलब यू विल गेट एवरीथिंग, आपको डेली यूज़ की जितने भी चीज़ें चाहिए ना वो सब भी होगा यहाँ पे ना। पेट्स भी मिलते हैं, मतलब बर्ड्स पैरट्स वगैरह भी मैंने देखा लोग सेल कर रहे थे। एंड यहाँ पे हर चीज़ थी, मतलब एवरीथिंग थी, था बर्तन वर्तन सब कुछ था, बट मुझे लेने लायक कुछ नहीं लगा। सो मैंने कुछ नहीं लिया, बस ऐसे एक राउंड लगा के पूरा अंदर से बाहर तक वापस आ गए। और जब वापस आ रहे थे तो ये देखिए ब्रिज से नज़ारा, बहुत ही सुहाना मौसम था, बहुत मस्त लग रहा था, ऑरेंज ऑरेंज। तो बस हम पूरा घूम घुमा के आ गए घर वापस। इंडोर में अच्छा लगा, अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करिए। कहाँ रखा है वो मैं आपको बताऊंगी, मैंने किस किस जगह पे रखा है। सो